Om Shanti. इस भक्ति के द्वितीय सत्र में हम सभी आदरणीय गीता बहन जी को बहुत सौ बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ लगाकर हमारी गीता बहन जी का स्वागत करेंगी। आपका जन्म मुजफ्फरपुर यूपी में हुआ, आप किसी भी विषय पर धारा प्रवाह वक्तव्य देती हैं। संकल्प शक्ति का प्रयोग, क्षमा भाव, भोग लगाओ भूना मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति आदि विषयों पर आपके वक्तव्य सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भारतवर्ष के अनेक सेवा केंद्रों पर आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने 7 वर्षों तक अपनी अथक सेवाएं दी हैं। आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी आदि में भी आध्यात्मिक ज्ञान का अलख जगा रही हैं। तो किसी ने कहा है कि लोग पर याद करें, बल्कि ऐसे जियो कि लोग फिर याद करें। चमन भी था, माली भी थे, पर बहारें ना थी, फूल काटे भी थे पर खुशबू ना थी। फूल तो क्या आपको देखकर काटे भी मुस्कुराने लगे हैं आपके आने के बाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गीता ज्ञान का ये अलग हमारे दिल में सदा के लिए आप जगाकर अपनी यादों को हमेशा बार बार आने के लिए छोड़ के जाएंगी परम आदरणीय गीता बहन जी। अगर उनका बच्चा किसी
कारणवश उनसे दूर जाए, नौकरी करने, बिजनेस करने, पढ़ने। तो जिस दिन वो जाता है, फोटो पे तो एक फॉर्मेलिटी पेपर मुस्कुराहट होती है, परंतु दिल अंदर से कैसा होता है? जिस दिन वो जाता है, सब सुना सुना लगता है। जाने से पहले आने की डेट कैलेंडर पर राउंड कर ली जाती है, इस दिन इस टाइम पर ये आ जाएगा। आने की उम्मीद जाने से पहले बंद जाती है, और जब चला जाता है तब क्या होता है? खाना भी नहीं खाया जाएगा, घर सुना सुना लगेगा, वीरान लगेगा, आंख में आंसू भी आ जाएंगे, ऐसा लगेगा घर की रौनक चली गई। ठीक है ना? आपने कभी सोचा कि जब हम अपना घर छोड़कर आ रहे थे तो ऊपर वाले को कैसा लगा होगा? केवल आप ही माता पिता हैं, वो माता पिता नहीं क्या? उसके लिए आज तक हम गाते रहे, तू माता पिता हम बालक तेरे। बस फर्क इतना है कि आप शरीरों के माता पिता हैं और वो, परंतु है तो माता पिता। जैसा आपका प्रेम, आपके भाव अपने संतानों से हैं, वैसी ही फीलिंग, वैसा ही प्रेम, वैसा ही भाव ऊपर वाले का भी अपने बच्चों से है। आप वो सीन देखिए जब एक आत्मा इस धरा पर उतर रही थी, उसके घर की जगमगाहट धीरे धीरे कम हो रही थी, एक के बाद एक नीचे आ रहा था विदाई लेकर के, और फिर धीरे धीरे उसके अनन्य लाड़ले, उसके सर के ताज, जिगर के टुकड़े सब नीचे उतर गए। कैसा हुआ होगा उसका घर भी? तो वीरान हुआ होगा या नहीं? उसके घर की रौनक भी खत्म हुई होगी, उसका घर का श्रृंगार भी उसके सामने जा रहा था। कैसा लगा होगा उसको? वो केवल कहने के लिए माता पिता है या सच में माता पिता है? फील कीजिए कैसा लगा होगा उसको, महसूस कर सकते हैं? तो तड़फ एक तरफा नहीं थी, मिलने की तड़फ दोनों तरफ थी। हमारे से ज्यादा तो बहुत सुख था मिलने के लिए, परंतु सृष्टि के विधानों का विधाता खुद ड्रामा के बंधन में ऐसा बंधा था कि उचित समय की प्रतीक्षा। और जैसे ही ड्रामा में सीन आया, एक सेकंड की भी देरी नहीं आई, उसने क्या कर लिया? ढूंढ लिया। देखिए, कोई किसी भी गांव के कोने में था, वहां से भी ढूंढ लिया। सात समंदर पार बैठा था, वहां से भी ढूंढ लिया। उसकी पहली नजर से कोई भी आत्मा, उसके अनन्य बच्चे बच नहीं पाए। ढूंढ लिया, इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि उसकी निगरानी में थे हम, उसकी नजरों में थे, इसलिए ढूंढने में उसे एक सेकेंड भी नहीं लगे। ढूंढ तो लिया, मिल भी गया, परंतु ये कहावत बहुत जल्दी से बदल रही है। कल तक हम कहते थे भगवान का अवतरण हो चुका है, आ चुका है, अभी थोड़ा सा स्लोगन चेंज हो गया है। अभी कहते आधा वो कब का चुका है, अब तो उसके जाने का वक्त है। पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कौन सा पल ऐसा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कभी भी ये हो सकता है जब पुनः 5,000 साल के लिए वो मुझे बाय बाय बोल दे, चला जाए फाइनली। इससे पहले कि वो जाए, विदाई ले, कुछ ऐसा कर लूं कि वो दूर जाकर भी जाना पाए। अब वो ही समय है, अगर ये समय हम चूक गए तो फिर दोबारा ये वक्त हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या करें कि दूर जाकर भी दूर जाना पाए? उसका मेरा रिश्ता जन्म जन्म के लिए, हर युग के लिए अटूट बन जाए।
बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, दो युग ढूंढा है। दो युग मतलब समझते हैं 2500 वर्ष। इसी चाह में जन्मे और इसी चाह में मृत्यु को प्राप्त हो गए, कहीं तो उसके दर्शन हो जाए। चलो दर्शन नहीं होते तो पांव की धूल तो मिल जाए, तो भी जीवन सफल हो जाए। अब मिला है, अब इस अनमोल समय को, अनमोल क्षणों को मैं तू तेरे में मेरे में तो नहीं गवा रही। मुझे जो अब कर लेना चाहिए वो तेजी से करना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं होता। तो ऐसा क्या करूं कि वो दूर जाकर भी दूर ना जा पाए? क्या कर सकते हैं आप ऐसा जी? बादलों से, बादलों बांध सकते हैं या नहीं? इसको बांधने की बात हो रही है, पता है आपको कौन है बाबा? बहुत बहुत सस्ती वस्तु का नाम नहीं है बाबा, त्रिलोकी नाथ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। उसको बांधने की बात हो रही है, तो छोटी मोटी चीज नहीं की बांध लो। तीनों लोगों में जिसका पूरी तरह कब्जा है, तीन लोग जिसकी उंगली के इशारे पे काम करते हैं, उसे बांधने की बात कर रही हूं। अगर वो एक बार खाली पलके उठा दे ना, मात्र भी पलके उठा दे, तो ये सात सौंदर खिसक के पीछे हट जाए। अगर सिर्फ एक बार उंगली से इशारा कर दे, मात्र एक उंगली से इशारा कर दे, तो ये पूरा हिमालय राख बन करके उड़ जाए। अगर मात्र एक संकल्प कर दे मन में, एक सेकंड से कम समय में भी ये पूरी वसुंधरा को स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है, जिसे मैं मेरा बाबा कहते हूं। सर्वशक्तिमान, जितनी भी शक्ति का स्रोत देख रहे हो वहां से कनेक्ट है वो, उसको बांधने की बात हो रही है। यशोदा मैया से तो खाली एक लल्ला नहीं बना था, बांधने चली थी ना उसको। आज बड़ी शक्ति रूप है उसका, बड़े शक्ति रूप ही बोले थे, बड़े जोश में बोल रही है कृष्ण को, आज तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी मैं, बांधूंगी ओखली से रोज रोज तुम जो है लाने लेकर आते हो, आज देखती हूँ कैसे जाओगे। पहली बार ऐसा रूप देखा माँ का, थोड़े से भयभीत हुए कृष्ण और ताऊ से कहा, माँ का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, आज तो थोड़ी मुझे भी घबराहट हो रही है, मुझे भी भय लग रहा है मैया से। ऊपर नारद मुनि भी सुन रही होते हैं जी का हाल, जबरदस्त रिपोर्टर है देवताओं के नारद मुनि, इधर उधर का समाचार फटाफट इधर से उधर करते हैं। जब उन्हें लगा कि कान्हा जी साधारण नारी से डर गए हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, वो अपना ये आश्चर्य लेकर के विष्णु के पास पहुंचते हैं, नारायण नारायण करते हुए और कहते हैं, सृष्टि के पालन करता आप और भय, ये दोनों कैसे संभव है? क्योंकि विष्णु का ही बाल रूप श्री कृष्ण है, तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप एक साधारण सी नारी से डर गए, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? तब विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, नारद सुनो, जिसे तुम मेरी माँ बोल रही हो, दूसरी तरफ साधारण बोल रही हो, ये दोनों जमना नहीं है। कोई भी साधारण नारी मेरी माँ बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकती, और जो मेरी माँ बन चुकी है वो साधारण कभी भी हो नहीं सकती। ऊपर वाला बार बार कहता है, हर रोज कहता है कि जो मेरे बच्चे बन गए, जिन्होंने मेरे को जान लिया, पहचान लिया, दिल का रिश्ता बना लिया,
वो तीनों लोगों में साधारण कभी भी हो नहीं सकते। वो शिव की संतान है, शिव के पुत्र है, शिव की पुत्रियां हैं, वो साधारण हरगिज नहीं है। साधारण नहीं तो फिर क्या है? साधारण नहीं तो क्या है? अति महान आत्मा है। भले आप साधारण घर में रहते हो, भले पढ़े लिखे नहीं हो, भले स्टैंडर्ड लो है, परंतु आपके पास वो बुद्धि है जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। आपकी इसी डिवाइन बुद्धि ने साधारण तन में महाज्योति को पहचानने की ताकत रखी है। इसीलिए दुनिया से हटके हो और क्या हो? अति ग्रेट हो, महान हो। जब श्री कृष्ण ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, आंखें खुली हुई थी, क्या हो गई थी लोगों की? बंद हो गई थी। सामने था परंतु देख नहीं पाए। रीजन क्या था? क्यों नहीं देख पाए? घटनाएं तो यहीं से घटी है ना सर, क्यों नहीं देख पाए? रीजन क्या था कि सामने साक्षात्कार हो रहे, केवल एक या दो व्यक्ति उसको देख पा रहे हैं, बाकी सबकी आंखें क्या हो रही थी? बंद हो गई। क्यों नहीं देख पाए? दिव्य नेत्र नहीं था, पुण्यों का बल। तो इस हॉल में जो भी आत्माएं बैठी हैं, वो सब कौन है? महान आत्मा के साथ साथ पुण्य आत्माएं हैं। कहा नारद मुनि को कि देखो, जिसे तुम साधारण नारी कह रहे हो, उसका पूर्व के रूप देखो, वो कितनी बड़ी साधक साध्वी तपस्वनी, कितनी बड़ी तपस्या कर रही है एक ही संकल्प से कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो। कई जन्मों की तपस्या का फल देने के लिए अब मैं पुत्र रूप में इसके साथ रिश्ता निभा रहा हूं। बाबा भी कहते, बच्चे तुम भी अपने पूर्व जन्मों को देखो, तुमने भी चरम सीमा की भक्ति की है। और फिर भक्ति का फल क्या मिला है? स्वयं भगवान प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारे जैसी भक्ति भी चारों युगों में कोई नहीं कर सकता जैसी तुमने की है। क्योंकि भक्ति का ही अगली डिग्री कौन सी होती है? भक्ति से आगे क्या है? वो मिला है। फिर बहुत पते की बात कहते हैं विष्णु कि अब मैं केवल पुत्र रूप में रिश्ता निभा रहा हूं, विष्णुपना छोड़कर केवल पुत्र का रिश्ता। ऊपर वाला भी कहता है, बच्चे मैं खुदा परमात्मा अल्लाह गॉड ये संसार के लिए हूं, तुम्हारे लिए तो मैं अपना भगवान पना छोड़कर तुम्हारे लिए केवल तुम्हारा बाबा बनकर तुम्हारे बीच में उपस्थित हुआ हूं। उसकी प्रेम की परिकाष्ठा देखिए कि उसने अपना भगवान पना छोड़ दिया, अपना धाम छोड़ दिया, अपना वेश बदल लिया, मेरे जैसा बनकर मेरे बीच में उपस्थित हुआ। यह है उसके प्रेम की परिकाष्ठा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान तो गोरों के लिए है, अब हमारे लिए क्या है? केवल क्या है? बड़ी ठंडी लग रही है, सुनना तो चाहिए ना उसको। क्या है? बाबा है हमारा। अब ये सोदा मैया सोचती है जगत जिगर के टुकड़े को बांधना, ऐसी वैसी वस्ती से थोड़े ही बांधूंगी। बड़ी बड़ी सोने चांदी की जंजीरें लेकर आती है, महंगी महंगी रस्सियों में बांधूंगी इसको। पर हर बड़ी रस्सी छोटी पड़ रही है, वो छोटा सा बच्चा बंधने का नाम नहीं लेता। फिर सोचती है बड़ी मेहनत प्रयास करने के बाद, अरे रेशम की भी तो रंग बिरंगी नरम नरम प्रलोभित करने वाली रस्सियां हैं, उनको लेकर आती हूँ, उसमें बंध जाएगा। लेकिन बड़े बड़े बंडल खत्म हो गए पर वो बच्चा बनने का। लेकिन आज हट है, एक को हट है बांधने की और एक को हट है
ऊपर वाला समर्पित करेगा अपने को बांधने के, बांधो। लेकिन आज उसकी हट देकर कहना भी बड़ा विचित है, ऐसी हट तो पहले कभी नहीं थी। अब देखिए कितना सुंदर है, उसी से पूछ रही है कि देख मुझे तेरे को बांधना जरूर है, अब तू ही बता तू बांधेगा कैसे, क्योंकि आज मैं तुझे छोड़ूंगी। बोल दो क्या मेरी शक्ति, मेरे प्रयास, मेरी मेहनत सब फेल हो गए, अब तू बता तू बांधेगा कैसे, मैं बिना बांधे तो नहीं छोड़ूंगी तेरे। तब श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते मैया तुझे सच में बांधना है तो दिल में प्यार पैदा कर, आंखों से एक बार प्यार दिखा दे, होठों पे मुस्कुराहट ला दे, तेरी साड़ी में आंचल से बंध जाऊंगा, रस्सियों की तो जरूरत ही नहीं है। प्यारे पर काम वाले को बांधने की तरकीब कौन सी रस्सी है जी? स्नेह मई भावना संपन्न रस्सी। कहां पैदा होती है, कहां बनती, कौन सी फैक्ट्री में बनती है रस्सी? सबके पास है ना, दिल सबके पास है। ये रस्सी केवल दिल में पैदा होती है, ये दिल से दिल को बांधती है, जोड़ती है। तो भगवान को यदि बांधना चाहते हैं तो दिल में कौन सी रस्सी पैदा करनी पड़ेगी? भावनामय स्नेह। लेकिन अफसोस क्या है कि हम उसे दिमाग से ज्यादा यूज करते हैं, दिमाग से बहुत यूज करते हैं। आजकल जो ब्राह्मण आ रहे हैं ना बाबा के बच्चे, वो भी दिमाग से ज्यादा यूज करते हैं। बहन जी मेरा बच्चा पास हो जाए हम भोग लगवाओगे। अच्छा पहले स्वार्थ रखा पीछे बाबा रखा, जैसे भक्ति मार्ग में करते थे ना, बड़े नाच से कहते हैं हम बिना दिया भक्ति करे पूजा पाठ किए बिना बहन जी जल भी ग्रहण नहीं करते। अब उनका पूजा पाठ का तरीका क्या होता है, हाथ में दो अगरबत्ती होती है, हाथ में माचिस होती है, भगवान जी के सामने बैठे दिया जला करके, चूंकि उनके शरीर देवियां हैं, आंख बंद करके भगवान मेरे पति का धंधा अच्छा चले, मेरे बच्चे सही मार्ग पे चले, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरी सास की तबीयत ठीक कर देना, मैं पकड़ दो अगरबत्ती। ब्राह्मण बच्चे भी क्या या तो योग में इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। जब मन भटकता है तो योग बोरिंग लगता है, वरना योग जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ है नहीं, जिसमें आत्मा भगवान से मिलन करती है, रूहियान करती है, बातें करती है, परमात्मा को निहारती है, उसके वाइब्रेशंस लेती है, उसकी ब्लेसिंग लेती है। इससे अच्छी वो कौन सी, इससे शुभ घड़िया लाइफ में कोई दूसरी होगी? नहीं होगी। लेकिन या तो हम करते नहीं, और जब करके बैठते हैं तो कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट लेकर बैठते, हाँ बाबा बस शुरू हो जाएंगे, ठीक है वो भी कीजिए, हमें मिला है तो हम उससे बेनिफिट लेंगे, कीजिए। पर कुछ क्षण तो ऐसे निकालिए, कुछ समय तो ऐसा निकालिए जब मैं उसके प्रेम में मगन हो जाऊं, जिसमें एक दिन के जितनी भी मार्जिन ना हो, जिसमें ना कोई इच्छा हो, ना स्वार्थ हो, ना कामना हो, केवल एक तरफ हो उसे निहारने की, उसे प्यार करने की, उसकी कुछ सुनने की, अपनी कुछ सुनाने की, कुछ अपने को जानने की, कुछ उसको जानने की, कुछ वक्त तो ऐसा निकालिए ना जब केवल लव में लीन हो हम, कुछ भी ना हो बीच में, कुछ भी नहीं, ना कोई विकल्प ना कोई संकल्प, केवल तू मैं तू। ये लवलीन वाली स्थिति भले ही 15 मिनट की हो, पर ये जो ताकत देती है आत्मा को, जो ये दिल को भरती है, जो ये प्यास बुझाती है जन्म जन्म की संबंधित है। तो बांधना तो है, दिल की रस्सी भी है और भगवान का वायदा भी है। आज यदि कोई भी आपके मन में चिंता है, टेंशन है, बोझ है,
या कोई शुभ इच्छा है, शुभ संकल्प है, कभी कभी क्या होती है, इच्छा बड़ी शुभ होती है, अगर वो पूरी ना हो तो उसकी भी टेंशन।